उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी? अरे आफ्टर ऑल ये सारा प्लान तो उस पृथ्वी का था। पृथ्वी बहुत शातिर है, खुद को बचाने के लिए मेरे पति को ढाल बनाकर यूज करेगा। और रही बात उस शालिनी की, तो वो कुछ ना कुछ करके हमेशा की तरह बच जाएगी। फंसेगा कौन? ऑब्वियसली मैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे मैंने तो उस तांत्रिक का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तो मैं सजा क्यों भुगतूं? पृथ्वी और उसकी फैमिली ने हमेशा हमें यूज किया है। विक्रम तो कभी पृथ्वी को छोड़कर जाएगा नहीं, इसलिए मैं ही अपने बेटे को साथ लेकर चली जाती हूँ। हाँ मॉम। कहाँ है तू? मैं अभी और इसी वक्त ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, और तू मेरे साथ चल रहा है, सुन रहा है ना तू? मॉम अभी मुझे बहुत अर्जेंट काम है। मैं तेरा कोई काम वाम नहीं जानती, एक बात कान खोलकर सुन ले। तू मेरे साथ चल रहा है, अगर आधे घंटे में मुझे पार्किंग एरिया में नहीं मिला ना, तो मेरा मरा मुंह देखेगा। सुन लिया? ओके फाइन मॉम, मैं आपसे आधे घंटे में मिलता हूँ। ठीक है, जल्दी कर। अरे दामिनी क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, कपड़े पैक कर रही हूँ। और आप भी अपने कपड़े पैक कर लीजिए। मैंने आपके मैनेजर पॉल से बात कर ली है, उसने लंदन की टिकट्स बुक कर दिए होंगे। प्लीज पैक योर स्टफ, वी आर गोइंग बैक टू लंदन। कोई कहीं नहीं जा रहा, अपने परिवार को छोड़कर ऐसे कोई जाता है क्या? अंदर तो परिधि की शादी है, एक छोटा सा हादसा हो गया तो वापस चले जाए। इसे आप छोटा सा हादसा कहते? दो लोगों की मौतें आपके सामने हो गई, पूरे अम्बाला से ना जाने कितने लोग गायब हो गए, मर गए, दुल्हने गायब हो गए, उनकी लाशें मिली है। वो राक्षस खुलेआम ऐसे टहलता रहता है, वहाँ संगीत चल रहा था और किचन में शेफ का मर्डर हो रहा था। डू यू नो दैट? इसे आप छोटी सी बात कहते हैं? देखिए ये जो आपके दिल में ना प्यार मोहब्बत रिश्तेदारी ये शादी वाली बात और ये वतन की मिट्टी वाली बात अपने दिल में है ना, इसे बिल्कुल निकाल दीजिए। बिकॉज ये लोग इस काबिल है नहीं कि इनके लिए हम अपनी जान दें। और तो उस बेचारी की जान ले लें क्या? वो अंगद के साथ शादी के सपने देख रही है। कितना प्यार करती हो अंगद से, अगर अंगद ने परिधि से शादी नहीं की तो क्या होगा उस बेचारी के फ्यूचर का? देखो दोनों की शादी तो होके रहेगी, अगर तुम्हें अटेंड करनी है तो करो, वरना तुम लंदन वापस जा सकती हो। What? उस परिधि के लिए आप मुझे लंदन वापस अकेले जाने के लिए कह रहे हैं? परिधि आपको बासुम बच्ची नजर आती है, लेकिन वो लड़की मुझे अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आती है। चलो ना भाग चलते हैं। साढ़े तीन लाख क्या? मेरी मंथली मेंटेनेंस का प्राइस टैग जो तुम्हें फ्री में मिलता है, भागने के बाद ये तुम्हें भरना पड़ेगा। बताओ भरोगे? इतनी मंथली पॉकेट मनी नहीं है मेरी। एग्जैक्टली इसीलिए अंगद मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और तुम मेरा फिक्स डिपॉजिट जो मैं कभी भी डिसॉल्व करके यूज कर सकती हूँ। और उस ब्रह्म राक्षस का क्या? मौत का सौदागर बन के घूम रहा है वो, मार कूट लेगा तो क्या करोगे? मारता कूटता फिर पूरे अम्बाला को। मैं तो शादी करके लंदन जा रही हूँ, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन मी, क्योंकि मैं दुनिया में जहाँ भी हूँ जिसके साथ भी हूँ मेरे बेडरूम के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले। अब ये जगह रहने के लिए सेफ नहीं है, जान का खतरा है, कोई कभी भी मर सकता है। मैं तो बोलता हूँ अब यहाँ से निकल चलते हैं। बालन भी यही कहकर यहाँ से निकल गया था ना, क्या हुआ? मर गया? हमें जीना है, और अगर जीना है तो साथ मिलकर कुछ सोचना होगा, एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिस पर चल के कालिंदी खुद ब्रह्म राक्षस को मार दे, ये ब्रह्म राक्षस का किस्सा ही खत्म कर दे। सुनिए जी, डर के मारे मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई कि हमें बचाने वाली हमारी जान की दुश्मन भी बन सकती है। क्या क्या निकला तेरे मुंह से? अरे मैं बालन की मौत के सदमे में थी और मेरे मुंह से कुछ टूटी फूटी बातें निकल गई, जैसे कि उस रात के बारे में, तांत्रिक के बारे में, राक्षस के बारे में। और जब मैंने देखा तो कालिंदी सुन रही थी। मुझे यही टेंशन है कि कालिंदी अभी क्या सोच रही होगी। ये क्या किया आपने? शांत रहो, शांति। कालिंदी की आंखों पर हमारे प्यार की ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि जन्मों जन्मों तक वो उतरने वाली नहीं है, इसलिए कालिंदी से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान करे कालिंदी सारी बातें भूल गई हो। उस रात बालन ने तो उसकी मदद की थी, तो फिर उसने बालन को भी मारा। एक रात की सजा सब कब तक भुगतेंगे? तांत्रिक हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? अब भी तुम यही कहोगी कि मदन जी का इसमें कोई हाथ नहीं है? अंगद प्लीज फैसे मदन जी,
तुम हाथ धो के उनके पीछे क्यों पड़ गए हो? देखो उमा, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई साधु संत नहीं हूँ, कोई फिलोसोफर महात्मा नहीं हूँ। आई एम अ टुडेज बॉय, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक एंड रियलिस्टिक। मेरे को ना ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। मेरे अंदर इतनी जबरदस्ती की हिम्मत नहीं है कि मैं जाके किसी से भी लड़ना शुरू हो जाऊं, ना ही मेरे अंदर इतना फितूर है कि मैं कुछ भी करना शुरू कर दूं। कोई भी राक्षस अगर सामने आता है ना, तो मैं भी दूसरे लोगों की तरह थोड़ा सा सोचता हूं उसके बारे में। दूसरे लोगों के सामने अगर राक्षस का नाम भी ले लो ना, तो वो हिलने डुलने लगते हैं। लेकिन तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। ये जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, ये सब कुछ मदन की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन तुमको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। हां नहीं सोचना मुझे, क्योंकि तुम्हारा शक ना वो गलत है। अरे तुम यार मदन के दिमाग से सोचती हो कि अपने दिमाग से सोचती हो? एक बार अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करो, अपना प्रैक्टिकल ब्रेन लगाओ, तुम्हें समझ में आएगा। मदन डे वन से एक ही बात बोल रहा है कि तुम ही हो जो ब्रह्म राक्षस को मार सकती है। तुम ही एक अकेली हो जिसके पास ताकत है ब्रह्म राक्षस को मारने की। तुमने क्या किया, ब्रह्म राक्षस को मार दिया और उसके बाद क्या हुआ? पंडित जी कोमा में चले गए। अरे वहां बैठा हर एक डॉक्टर परेशान हो गया था कि चार दिन में कोई कोमा से कैसे बाहर आ सकता है। याद है वो मॉल वाला इंसिडेंट? वहां पे क्या हुआ था, हम लोग मॉल में लेके गए ब्रह्म राक्षस को, मतलब पंडित जी को। वहां पे जाते ही पंडित जी गिर गए, फिसल गए, उनके सिर में चोट लगी और उसके बाद वो वहीं पे रुके, वहीं पे अटक गए। हम अंदर चले गए और जैसे ही हम अंदर गए वो गायब हुए, गायब हुए ब्रह्म राक्षस बाहर आ गया। जब भी हमेशा पंडित जी गायब होते हैं तब ब्रह्म राक्षस बाहर आ जाता है, इसका मतलब क्या है तुम खुद सोचो। याद है तुम्हें वो शबाना वाला इंसिडेंट? शबाना ने मुझे फोन करके बताया था कि शबाना को पता चल चुका है कि ब्रह्म राक्षस कहां है, किसके अंदर है। ब्रह्म राक्षस के बारे में वो डिटेल देना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे वहां पे बुलाया। और ये बात सिर्फ तुम्हें और ब्रह्म राक्षस, मतलब पंडित जी को पता थी कि मैं वहां पे जा रहा हूं। तुमने क्या किया, तुम मेरे पास आ गई क्योंकि ब्रह्म राक्षस ने, मतलब पंडित जी ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा था। और उसके बाद ब्रह्म राक्षस ने क्या किया, ब्रह्म राक्षस ने जाके शबाना को मार दिया, जिससे कि वो किसी को बता ना पाए कि एक्चुअल में ब्रह्म राक्षस कौन है। मतलब वो खुद, मतलब पंडित जी खुद ब्रह्म राक्षस है। वो बार बार बोलते हैं कि उनके पास कोई ग्रंथ है, बहुत बड़ा कोई ग्रंथ है जो मदद कर सकता है हमारी ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए। अरे अगर है तो वो ग्रंथ लाते क्यों नहीं, देते क्यों नहीं? अंगद, इतने सवाल खड़े कर दिए तुमने उनके लिए, इतना शक हो रहा है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी शक की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या? तुम्हारी जलन, तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि मदन जी मेरे क्लोज आ रहे हैं तो तुम फालतू में ना उनके नाम का मेरे दिल में जहर घोल रहे हो। Like really? मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ? मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात करने लगेगी तो मेरा ईगो इतना हर्ट हो जाएगा कि मैं उस लड़के को एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़के से एक बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस बना दूंगा? Like really? तुम सोचती हो मैं इतना बड़ा पागल हूँ? अंगद, मदन जी के लिए जो शक, जो गलत फहमी, जो जहर भरा हुआ है ना तुम्हारे दिमाग में, प्लीज तुम इसे दूर निकाल के रख दो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसे दूर करने का। बहुत सी चीजें चल रही है मेरे दिमाग में, बहुत सवाल है, बहुत जवाब ढूंढने, तो प्लीज अपनी सोच को अपने पास रखो। वो तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर जो सवाल चल रहे हैं, जो जवाब चल रहे हैं, उनका क्या करूं? हाँ बताती, तुम्हें सब बताती, लेकिन अगर तुम नॉर्मल समझदार होते तो मैं तुम्हें सब बताती, लेकिन तुम तो ये सब हो ही नहीं, तो इससे मुझे लगता है कि तुमसे ये सब शेयर करना ना ये गलत होगा। तो मैं अपने सवाल लेके ऐसे इंसान के पास जाऊंगी जो समझदार हो, जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, समझे? अच्छा जी, आ गए पंडित जी बीच में। मतलब तुम पंडित जी की बात करी और तुम पंडित जी के पास जाने वाली हो अभी? हाँ बाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखना एक दिन पंडित जी बनेंगे ना, जब ब्रह्म राक्षस को समझ में आ जाएगी। डैम दिस पंडित मैन। शालिनी ने इतने सालों से बहुत पैसा चुरा कर रखा है, इस अकेले का हिस्सा नहीं है इन पैसों में, मेरा भी हिस्सा है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। देखो कैसे राज करती है, सारा का सारा लेके जाऊंगी, जो भी हाथ लगेगा ना। मदन जी कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ उमा। अभी तो आप यहाँ नहीं थे, फिर अचानक से यहाँ कैसे? ओ, तो तुम्हारी आंखों में भी शक आ गया है, तुम भी अंगद की बातों में आ गई और तुम्हें भी यही लगने लगा है ना उमा कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम अंगद की बातों में आ जाओगी और मुझ पे शक करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? उमा, मैं पंडित बाद में हूं, पहले वो इंसान हूं जो सदियों से, सालों से उस ब्रह्म राक्षस की तलाश कर रहा है। अंगद का क्या है? अंगद तो अभी आया है ना, और आते ही उसे मुझ पे शक हो गया, इसीलिए जंगल गया था ना उस ब्रह्म राक्षस का आवाहन करने के लिए। उसे लगा कि उसका आवाहन सफल हो जाएगा और ब्रह्म राक्षस के रूप में मैं उसके सामने आके खड़े हो जाऊंगा। पर एक बात बताऊं उमा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अंगद मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं? क्या हुआ, कश्मकश में हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कश्मकश दूर कर देता हूं।
जरा सा भी शक है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं तो उठाओ ये काली मां का अभिमंत्रित खंजर और खोप दो मेरे सीने में। यहां यहां चीर दो मेरे दिल को। अगर अंगद का शक सही है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं तो अच्छा है ना उमा, तुम्हारे लिए अंगद के लिए इस परिवार के लिए मुझे मार दो, मेरे दिल के दो टुकड़े कर दो, कहानी खत्म। मारो मारो मुझे, देख क्या रही हो, मारो। शक भी है और शिकार भी है, क्या पता वो ब्रह्म राक्षस मेरे अंदर हो और बाहर आ जाए, बाहर आके तुम्हारी हत्या कर दे, उससे पहले मुझे मार दो, मार दो। मदन जी, मुझे आप पे शक नहीं था, ना मैं कभी कर सकती हूँ। अंगद जो मेरे दिल के इतने करीब है, मैं उसकी बातों में आके भी कभी नहीं कर सकती। मैं बस यहाँ आपसे कुछ अपने सवाल पूछने आई थी। क्या सवाल हुआ? यही कि ब्रह्म राक्षस की दुश्मनी हम सबसे है, खासकर की मुझसे, क्योंकि गहना को मैंने मारा था। लेकिन फिर पालन चाचा ऐसा क्यों कह रहे थे कि चाचा चाची इनके दोस्त इनका परिवार इन सबकी जान खतरे में, कि वो ब्रह्म राक्षस इन सबको नहीं छोड़ेगा। और क्या उमा? और यही कि उस दिन चाची अपने आप से कुछ बहकी बहकी सी बातें करी थी, अधूरी अधूरी सी बातें। पालन चाचू, वो रात, वो तांत्रिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ये सब मेरा अपना परिवार है, लेकिन मैं इन सबको शक की निगाहों से देख रही हूँ। वो राक्षस किसी में भी हो सकता है, यहाँ तक कि उनको भी शक की निगाहों से देख रही हूँ जिन्होंने पाल पोस के मुझे बड़ा किया है। अगर ऐसी बात है उमा, अगर तुम्हें अपनों पे शक हो रहा है तो मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि अपने अंतरात्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो। तुम्हें बस वही करना है जो तुम्हारा दिल कह रहा है। सिद्ध कहाँ रह गया है? क्यों नहीं, आधा घंटा बोला था, पौना घंटा कर दिया। कहाँ है तू सिद्ध? सिद्ध फोन उठा, मुझे कैसे भी करके आज ये शहर छोड़ के जाना है। सिद्ध जल्दी कर, सिद्ध फोन उठा। क्या करूं, ये लड़का भी ना। मैं आ गया, कहां पे हो आप? मुझे बुला के खुद गायब हो गए। अच्छा हुआ दी आप आ गए, पृथ्वी चाचा जस्ट अभी आपको ढूंढते ढूंढते आए थे। चाचू आए थे, अब क्या काम था उनको? देव, चाची को हमसे क्या काम होता है, वो हमारे रूम में क्यों आते हैं? पेपर साइन करवाने ना, तो आप नहीं थे तो उन्होंने पेपर्स वहां पे रख दिया, आप उन्हें साइन कर लेना। ओके, अगर तुम्हें अपनों पे शक हो रहा है तो मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि अपने अंतरात्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो। क्या हुआ दी, आज तक चाचा जब भी पेपर रख के गया आपने उन्हें पढ़ा तो क्या, देखा भी नहीं और आप झट से साइन कर देते थे, और आज आप इतने ध्यान से पढ़ रहे, आपको हो क्या गया है? मिंटी पता नहीं क्यों इस पर दिल ने बोला कि एक बार देख लेना चाहिए। तो आप ना दिन ब दिन अजीब होते जा रहे हो, इन शॉर्ट बदलते जा रहे हो। परफ्यूम इतना लगा के जा रहे हो और मुझे बोल रहे कि मैं अजीब हो गई हूँ।
कैसे पता नहीं ऐसा क्या हो गया, कितना भर भर के परफ्यूम लगा रही है, पूरी बॉटल खत्म कर दी है, पर इसमें भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। ये नीचे का हिस्सा इतना मोटा क्यों लग रहा है? पेपर्स, मतलब इतने सालों से मुझसे ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवाए जा रहे हैं, लेकिन क्यों? मेरे ब्लैंक पेपर्स पे साइन करने से उनको क्या मिलेगा? कुछ बात तो जरूर है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। हे ब्रो, डोंट नो आजकल तू कहाँ बिजी रहता है। मैंने तुझे बहुत ढूंढा पर तू कहीं नहीं मिला। जस्ट लेटिंग यू नो मैं जा रहा हूँ। नो शादी, नो अम्बाला, नथिंग। उमा अपनी दुनिया में बिजी है, मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ, पता चलते ही बता दूंगा। मॉम डैड का ख्याल रखना। लव यू ब्रो। अरे अरे बैठ जा, बैठ जा। परी, इस पे कली रे गिरा दे ताकि इसकी भी चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। गिरा गिरा गिरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी सोनी कुड़ी। अरे बिना कलीरे गिरे ही तेरी शादी हो जाएगी। चल उठा, उठा, आजा, हट 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 हट। अच्छा अब तेरी बारी, आजा आजा आजा। मैं शादी के लिए बनी नहीं। अरे झल्ली कही की सबको शादी करनी पड़ती है। अरे नो। अरे बैठ बैठ, गिरा गिरा गिरा, ताली बजाओ। ओह यस, थैंक गॉड, अब तो इन कलीरों को भी पता है कि मैं शादी टाइप लड़की हुई नहीं। बेटा आगे रख, कट कट। थैंक यू कलीरे। अरे चलो गाना बजाओ, ढोल बजाओ, चलो नाचते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अब जो पता चलेगा वो पृथ्वी चाचू के कमरे में पता चलेगा। अरे उमा, यहाँ दरवाजे पे आना, तो घर के बाहर का तोरण निकला जा रहा है, आई से ठीक से लगा दे। हाँ अभी आई। शादी से पहले दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन हम तो अपने बिन फेरे वाली परमानेंट दुल्हन से मिल ही सकते है ना। अच्छा सुनो, शादी से पहले शादी के जोड़े में मिलोगे मुझसे 10 मिनट के लिए? ओ सर, माय नॉटी सर, तुम नहीं सुधरोगे। ठीक है, ये दिलवाली दुल्हन तुमसे मिलेगी, पक्का मिलेगी। ये दुल्हन उसी को मिलेगी जिसके लिए ये बनी है। क्या चप्पड़कंजे का पतीला गिरा सिर पे? यही सही मौका है, कोई नहीं है यहाँ पे। क्या पता कोई क्लू मुझे यही मिल जाए ब्लैंक पेपर में मेरी साइन की उलझन को सुलझाने का। सॉरी चाचा जी, आपकी एब्सेंस में आपकी अलमारी घूम रही हूँ। ये होल आज भी शाम के पेड़ के पास है, इसका मतलब यहाँ पे अब भी कोई आता है। कोई है जिसने आज भी इस होल को ताज़ा कर रखा है।
कैसा लगा मेरा गिफ्ट? मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब मैं डॉल से थोड़ी ना खेलती दफर। ये तो वही डॉल हाउस है जो मैंने बचपन में कालिंदी को गिफ्ट किया था। इतने सारे लेटर्स, इसका मतलब आज भी कोई ना कोई है जो अपनी फीलिंग्स इन लेटर्स में लिख के आज भी यहाँ पर डालता है। ये तो किसी का डेथ सर्टिफिकेट है। राघव शर्मा, ये तो पापा का नाम है। मौत की वजह कोई दुर्घटना नहीं, तो मैंने गायब होने की वजह से मृत घोषित किया जाता है। जिंदगी अचानक एक नया मोड़ मुड़ गई, किसी से एक डोर सी जुड़ गई, एक अजनबी आया पर अपना सा बन गया। आज अंगद ने मेरे एक छोटे से जख्म पर मरहम लगाया तो ऐसा लगा वापस वो घर मिल गया। वो मेरे हाथों से फिसल गया था, मेरी जिंदगी से निकल गया था। तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो तो सोचा तुम्हें बता दूं, मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तब वो उमा नहीं, वो मेरी बचपन की दोस्त कालिन थी। तो इतने सालों से मुझसे झूठ बोला जा रहा था। पृथ्वी चाचू वो नहीं जैसे मैं उन्हें समझती थी। अरे यार, हेलो, मैंने कहा था आपसे मेरे पास वक्त नहीं है, आप विक्रम से बात कर लीजिए, दोबारा फोन मत कीजिएगा। क्या करूं, कहां छिपूं? बच गए। कालिंदी, मेरी बचपन की दोस्त तुम ही हो ना? Can't believe it। वो छोटी सी कालिंदी, क्यूट सी स्माइल, गुस्सा हर समय नाक में बैठा रहता था, अकड़ू एटीट्यूड, तुम्हारी वही प्यारी आंखें आज भी, मैं क्यों नहीं समझ पाया। याद है, यही सवाल मैंने तुमसे कई सालों पहले पूछा था, आज एक बार फिर वही सवाल पूछने जा रहा हूं। चपड़गंजू का पतीला क्या होता है? ये चपड़गंजू का पतीला होता क्या है? तुम अंगद हो, वही अंगद
5 साल पहले मेरे दोस्त जो मुझे छोड़ के लंदन चला गया था, वो टूटता तारा छोड़ के जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, अब समझा। हर बार जब मैं टूटता तारा देखता था ना, हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई पुराना कनेक्शन है। हमेशा टूटते तारे को देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई और भी है जो कहीं किसी कोने में बैठ के उसी टूटते तारे को देख रहा है। कोई और भी है जो जिस तरह मैं किसी को मिस कर रहा हूँ, वो मुझे मिस कर रहा है। हमेशा सोचता था कि क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। तो तुम मुझे भूल गए थे? मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, पर वो देश बदल गया, सराउंडिंग्स बदल गई, सर्कल बदल गया, लोग बदल गए, आसपास के लैंग्वेज बदल गई, कितनी सारी बातें मुझे तुमसे करनी है। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि उमा कालिंदी ही है। लेकिन आप जानते थे, हाँ वो सब जानते थे। भगवान जी ने मेरे साथ यही किया। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे मेरे बचपन का दोस्त वापस मिल गया। सोलह साल की बातें, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ सुनना है ना। ये जगह बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक है, चलो कहीं और चलते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो। आज कालिंदी की तरह मेरा हाथ पकड़ो, अपने अंगद का हाथ। कहाँ गई मेरी बोना? कितनी देर से फोन ट्राई करूं लेकिन फोन क्यों नहीं उठा रही? कल रात ही उसने नेकलेस बनवाया था जो उसने शादी में पहनना था। सारे घर में सबसे पूछ चुका कहाँ है, पर किसी को कुछ नहीं पता। भगवान करे बस वो ठीक हो। मोना का फोन, इसका फोन यहाँ है तो मोना कहाँ होगी? इस फोटो को ध्यान से देखो, ये मेरी मोना है, तुमने कहीं तो देखा होगा इसको, ध्यान से देखो ना। मैं अब तक यही सोच सोच के अपनी जिंदगी के सबसे बड़े शौक में था कि तुम मेरा बचपन का प्यार हो, तुम कालिंदी हो। मेरा बचपन का प्यार मेरी जिंदगी में मेरे सामने था, मेरी आंखों के सामने था, और मैं उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन मतलब जो उमा है वही कालिंदी है, और उमा कोई है ही नहीं। और तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दूसरा शौक मुझे ये बोल के दे रही हो कि जिस फैमिली के साथ तुम रह रही हो वो फैमिली तुम्हारी है नहीं। लाइक वो लोग तुम्हें हमेशा से धोखा देता है, वो हमेशा से तुमसे ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवाते हैं, उन्होंने तुम्हारे डैड की मौत के बारे में भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर ये फैमिली ही तो फ्रॉड है, पूरी की पूरी फैमिली फ्रॉड है उमा। आई मीन कालिंदी, अब तो मैं तुम्हें कालिंदी बोल सकता हूँ। ये पूरी की पूरी फैमिली फ्रॉड है, सब तुम्हारे साथ सिर्फ धोखा करते आए, हमेशा क्रिमिनल्स हैं ये लोग, कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स। इनको सजा हो जानी चाहिए, इनको जेल हो जानी चाहिए, इनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए।
यार कितना गलत करेंगे वो किसी के साथ। तुमसे तुम्हारा नाम छीन ले, तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत है कालिंदी, और उन्होंने तुम्हें क्या नाम दिया? उमा। ये कोई नाम हुआ? तुम्हारे डैड की मौत के बारे में नहीं बताया, उनकी मौत हुई क्यों, क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुई, उसके बारे में कोई सच्चाई तुम्हें नहीं पता। तुम इतने साल से इनके साथ रह रही थी, इन्होंने तुम्हें आज तक एक चीज क्लियर नहीं बताई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने सालों से तुम इतने सारे क्रिमिनल्स के बीच में रहते हुए उनकी सच्चाई का पता कैसे नहीं लगा पाई। तुम समझ क्यों नहीं पाई कि ये लोग सब के सब बुरे लोग हैं? एक मिनट अंगद, तुम इन्हें फ्रॉड बोलो, क्रिमिनल बोलो, फांसी पे लटकाने के लिए बोलो, लेकिन एक बार सोचो ना कि इन्होंने किया है क्या है। ब्लैंक पेपर्स पे बस मेरे साइन लिए हैं, लेकिन मेरे पास इनको ऑफर करने के लिए क्या ही है? क्या छीनेंगे ये लोग मेरा? देखा जाए तो इनका कर्ज मेरे सिर पे, पाल पोस के इन्होंने मुझे बड़ा किया है। तुम अब भी इन पे शक ना करने की वजह ढूंढ रही हो? अगर ढूंढना बनता है, जब से 5 साल की थी, यही तो मेरी फैमिली है जिसे मैं जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं। यही तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली ना तुम्हें धोखा देती आई है तब से ही, जब से तुम 5 साल की थी, और उस धोखे को तुम समझ नहीं पा रही हो। इन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या गलत नहीं किया यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो इस बात को, समझने की कोशिश करो। अंगद, ये कोई बिजनेस डील नहीं है कि कुछ भी करने से पहले मैं सोचूं समझूं। ये मेरा परिवार है, ये मेरे रिश्ते हैं। और मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों इन्हें गलत प्रूफ करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें परिधि से शादी नहीं करनी है। लेकिन अंगद, मैंने भी वादा किया उनसे कि अगर शादी होगी तो सिर्फ परिधि और तुम्हारी। गॉड, कैसी लड़की हो तुम? दिमाग नाम की चीज है या नहीं है? दिल से सोचना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन दिमाग से बिल्कुल ना सोचना ना अच्छी बात नहीं होती। यू हैव टू थिंक, वो गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहता हूँ कि परिधि से शादी करके ना तुम्हारे साथ शादी करने से ज्यादा खुश रहूंगा मैं। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। अरे परिधि जैसी भी है, चीटर है, फेक है, सेल्फिश है, लेकिन कम से कम ट्रांसपेरेंट तो है ना यार। तुम तो ट्रांसपेरेंट ही नहीं हो। वो जो मुंह पे है वही पीठ पीछे है, वही अंदर से भी है। तुम मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है तुम्हारे। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो होता है वो सिर्फ तुम्हें पता होता है, और किसी को तो पता होता नहीं, क्योंकि तुम किसी को बताती नहीं, तुम्हारे मुंह से कुछ दिखता नहीं। नहीं सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के पागल नहीं होना चाहता हूँ। उससे बेटर तो परिधि है ना। कम से कम मुझे कुछ सोचना तो नहीं है, दिमाग तो नहीं लगा ना। परिधि से ही शादी करना मेरी मेंटल और फिजिकल लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऑल राइट, कालिंदी नहीं, अब उमा ही बोलूंगा। उमा, यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड फॉर माइन एंड परिधिज वेडिंग। जरूर आना टू ब्लेस द हैप्पी कपल। अंगद, आई एम सॉरी अंगद, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक बार पृथ्वी चाचा जी को पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। पृथ्वी, मेरे यार, मेरे भाई, एक बार तो मेरी बात सुन ले। क्यों मैं सुनूं तेरी बात? हाँ विक्रम, देख नहीं रहा शादी का घर है, इतना बिजी है हम, और तू अपनी बीवी का रोना रोती जा रहा है, रोती जा रहा है। यार मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, पर बिना बताए कहीं भी कभी भी नहीं जाती यार, कोई ना कोई गड़बड़ है मेरे भाई। अरे भाभी जी, आप ही इसको समझाओ, आप तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, आप तो उसे अच्छी तरह से जानती थी, वो कभी भी कहीं भी बिना बताए कहीं नहीं जाती। सच कहा आपने, बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको, एक नंबर की चोरनी है, चोरनी। क्या? और नहीं तो क्या, पता है मेरे कमरे से कितने सारे झूले चुराए उसने, और अचानक इस तरह बिन बताए गायब तो हो ही जाएगी। अरे शुक्र मना, तुम लोगों को हम फैमिली फ्रेंड समझते हैं, इसलिए अभी तक जाके पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। अगर आप ऐसे ही हमारे सिर पर खड़े होके मोना डार्लिंग के गाने गाएंगे ना, तो पक्का कर दूंगी। भाभी जी, माना माना उसने चोरी की होगी, पर हम सब भी तो चोरी है। ए विक्रम, सामान संभाल के, बहुत हो गया तेरा नाटक। पृथ्वी मेरे भाई, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूँ कि मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है किसी भी तरीके से यार, वरना वो शादी के माहौल में इस तक कैसे गायब नहीं हो जाती यार। कल रात को उसने सिड को फोन भी किया था, पर उस कोते ने फोन ही नहीं उठाया यार। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ यार, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है, मेरी मदद करो मेरे यारो, मेरी मदद करो। पृथ्वी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें उसे ढूंढने में देर हो जाए, और कल जंगल में हमें उसकी लाश मिले, जिसका दिल निकाल कर भ्रम राक्षस खा चुका हो। यार शालिनी, इसकी बकबक बिल्कुल बंद नहीं होने वाली, बहुत सारा काम है, चलो चलो इसको बकने दो। वाओ, यू लुक सो सो। ओके गर्ल्स, थैंक यू, नाउ सम सिस्टर टाइम प्लीज। यस, बाय। ओके पैरी, तू ना तेरी सारी इंडियन ड्रेसेस मुझे दे दे, वैसे भी तू यहाँ ड्रेसेस तो पहनती नहीं थी, तो लंदन जाके क्या पहनेगी? तुझे एक भी ड्रेस नहीं मिलने वाली, पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपनी ड्रेसेस का एग्जीबिशन लंदन में लगाने वाली हूँ। एक बार मुझे लंदन में पैर रखने दे, फिर मेरी पॉपुलैरिटी देखना, तहलका मचा दूंगी।
वहाँ की लेटेस्ट प्रिंसेस डायना बन जाऊंगी और मेरी ड्रेसेस मिलियंस के लिए बिकेंगी और लोग मेरे ऑटोग्राफ्स ले लेके जाएंगे। साक्षी, मेरे इयररिंग्स लेके आना। एंड रौनक, रौनक, यस, मेरे बर्फ और पानी लेके आना, नए दुल्हन के ऑर्डर्स हैं। ओके प्रिंसेस डायना। और सुनो, दरवाजा बंद करके जाना। श्योर। हे बेब, याद है ना शादी के जोड़े में हमारी टेरेस वाली डेट? ओह गॉड, तुम और तुम्हारे ये दुल्हन के जोड़े वाला पागलपन। यू नो यू रिमाइंड मी ऑफ दैट राक्षस जो दुल्हन के लाल जोड़े को देखकर कत्ल कर देता है। यहाँ कत्ल करने वाली भी तुम और कत्ल कराने वाली भी तुम हो। अब तुमसे बात करके मेरा मेकअप खराब हो रहा है। सो बाय। बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने सालों से तुम इतने सारे क्रिमिनल्स के बीच में रहते हुए उनकी सच्चाई का पता कैसे नहीं लगा पाई। तुम समझ क्यों नहीं पाई कि ये लोग सब के सब बुरे लोग हैं? नहीं, नहीं, अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रखा है। देखो, चीप और चाची ने कितने चीप कपड़े दिए मुझे शादी में पहनने के लिए। माना कि हम सर्वेंटगिरी का नाटक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कपड़े कौन पहनता शादी में? मेरा भी कोई स्टेटस होता, लेकिन नहीं, चाची ने तो मुझे वो रोड साइड वाले कपड़े दे दिए पहनने को। बेटी, तू टेंशन मत ले। तेरे सवाल मेरे सवाल, आज ये सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आऊंगी। क्या मतलब दी? अरे दी, कहाँ जा रहे हो? ये रो कौन रहा है? विक्रम चाचा जी, आप रो क्यों रहे? मोना चाची अभी तक नहीं मिली है। नहीं मिली। चाचा जी, आप मत रोइए। आप मुझे ये बताइए कि आखिरी बार आपने उनको कहाँ देखा था? शायद अगर हम दोनों मिलके ढूंढे तो वो मिल जाए। कालिंदी, तुम मेरी मदद करोगी? हाँ चाचा जी, क्यों नहीं करूंगी। कालिंदी, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छाई के लायक नहीं हूँ। मैं तो क्या, हम में से कोई भी तुम्हारी अच्छाई के लायक नहीं, और ना ही तुम्हारे वो पृथ्वी चाचा। अब कहना क्या चाहते हैं? सॉरी कालिंदी, मैंने तुमसे ये बात अब तक छुपाए रखी। तुम्हारे पृथ्वी चाचा ने अब तक अपने फायदे के लिए हमेशा तुम्हारा नुकसान किया है। तुम उन पे आंख बंद करके विश्वास करती है, लेकिन उन्होंने तुम्हें हमेशा धोखा ही दिया है। और कालिंदी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें आगे भी ठीक ऐसे ही धोखा देते रहेंगे। क्या बात है बेटा? मैंने हमेशा अपने पिता से आपको बढ़ के समझा है चाचा जी। हाँ बेटा, मैंने भी तुम्हें हमेशा बेटी की तरह समझा है। कालिंदी बेटा, तुझे वो कपड़े पसंद नहीं आएगा जो मैं तेरे लिए लेके आई थी। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुझे परी की अलमारी से उसके नए कपड़े दिलवा दूंगी। अरे वो पहने तू पहने, एक ही बात है ना बेटा। कीजिए, अगर अब भी आप लोग अपनी मीठी मीठी बातें करेंगे, मैं फिर से फंस जाऊंगी। कब तक अपने झूठे प्यार की पट्टी मेरे आंखों में बांधते रहेंगे आप लोग? आज आज मैंने वो सच देखा जो मैं कभी देखना नहीं चाहती थी। कालिंदी बेटा, तू कैसे पहेलियां बुझा रही है? परी की शादी की मुहूर्त सर पे है और तू ऐसी बातें। छोड़ो ना फिजूल की बातें। मदन जी, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। मदन जी, कहाँ हैं आप? मदन जी की तो चेयर भी यहाँ पे ही है, कहाँ हैं आप? अंगद,
जरा एक नजर मुझे भी देखो और बताओ ना कि मैं कैसी लग रही हूँ। रॉबिन, या ब्रो, एक बार देख के बताना कैसी लग रही है। आई मीन मेरी तरफ से। शी इज लुकिंग नाइस, टेरिफिक, आई मीन माइंड ब्लोइंग। अंगद, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ आओ ना। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या कहा? तुम्हारे बालों के पीछे वाले कानों ने जो सुना वही कहा, और बिल्कुल सही कहा, और बहुत अच्छा लग रहा है कहने के बाद। फील गुड वाली फीलिंग हो रही है। फील गुड वाली फीलिंग हो रही है। अंकित, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं भी ये कह रहा हूँ, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं थक गया हूँ मजाक कर करके। तुमने मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया यार। जब से मैंने अम्बाला में कदम रखा है ना, तब से मैं अंधा हो गया हूँ। वो क्या बोलते हैं उसको, आशिक आवारा पागल दीवाना, ऐसा सा हो गया हूँ। मुझे ऐसा बन के नहीं रहना। अगर ऐसा बन के रहना तो मैं किसी लड़की के साथ कभी सेटल नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारे चक्करों में पागल होता चला जाऊंगा। मुझे शादी करनी है और मैं शादी कर रहा हूँ। क्या नाम है इसका, पेरी से। लेकिन अंकल, लेकिन कुछ डबल गेम मेरे साथ मत खेलो। कभी आती हो मेरे को खींच के ले जाती हो, कभी पुश करती हो, कभी बोलती हूँ दे देखो, कभी बोलती हूँ दो देखो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ यार। पूरे टाइम मैं खाना खाता नहीं हूँ यार। मेरे को एसिडिटी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई तुम्हारे चक्कर में। तुम्हें पता है मैं डिनर के टाइम पे लंच करता हूँ, डिनर तो करता ही नहीं, उसके चक्कर में मैं भूखा रहता हूँ। तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पर, मेरी हेल्थ में तरस खाओ यार, और जाओ यहाँ से और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, अब से ना मैं यही करूंगी। थैंक यू। रमा, मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। हाँ बोलो। तुम ना अपनी ये एटीट्यूड वाली दीदी को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगी। हाँ, लेकिन क्यों भाई? आई मीन क्यों अंगद? भाई क्यों? जो भी है, तुम इसको बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई ना कोई है जिसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं, जिसके दिल में कुछ और चल रहा है। किसके दिल में, मुझे समझ में नहीं। बहुत लंबी कहानी, आराम से सुनाऊंगा, लेकिन फॉर नाउ आई वांट दिस प्रॉमिस फ्रॉम यू कि इसको अकेला मत छोड़ना। ओके डन, मैं देखो एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ओके, प्रॉमिस। ब्रो, ये क्या था? जिसके पीछे पीछे भागते थे आज उसी को यहां से भगा दिया। उसको भगा दिया या खंजर लेके अपने ही सीने पे चला लिया, पता नहीं। इसका खून अभी तक बह रहा है, देख। टप टप टप। ऑलराइट, आई एम रेडी फॉर मैरिज। दी, कहाँ जा रहे हो? पानी में डूबने। क्या? अब मेरा मतलब है मिंटी, वो पानी पीने मेरा ना गला सूख रहा है, मैं 2 मिनट में आ रही। चलो ना दी, साथ में चलते हैं। चलो। मुझे लगता है कि मुझे ना एसिडिटी प्रॉब्लम हो गई है, तो एक काम करना, तुम मेरे लिए ऑरेंज जूस ले आ प्लीज। ले आ मतलब? दी, हम साथ में चलते हैं, साथ में ऑरेंज जूस पीते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, सुनना सुनना सुनना, वो मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे, मेरे में ताकत होती मैं ले आती ना। तो एक काम कर, एक सेकेंड, सुमन है ना, अब मैं काम करती हूँ, मैं जाके हाय बोल देती हूँ, तो प्लीज अपनी बड़ी बहन के लिए जाके ऑरेंज जूस ले आ। दी दी, मैं अभी ऑरेंज जूस लेकर आ रहा हूँ, यहीं पे रहना। कर हाँ, मुझे पता है अंगद, तुमने जानबूझ के मिंटी को मेरे पीछे जासूसी पे लगाया था, लेकिन मैंने भी उसे काम पे लगा दिया। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मदन जी की हालत देख के मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। मुझे उन्हें ढूंढना होगा और मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगी। तो ये उनकी लोकेशन है। मदन जी, मैं आ रही हूँ आपको बचाने के लिए।